हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बंसीधर फैशन पॉइंट में। आज हम जानेंगे कि हमें मशीन कौन सी लेना चाहिए और वो क्यों हम मशीन ले रहे हैं। बहुत सारे ऐसे मुझे कमेंट्स आई है जिसमें मुझे पूछा जाता है कि हम ये काम करते हैं, हम वो काम करते हैं, मतलब सिलाई का ये घर पे घरेलू काम करते हैं और हमको मशीन लेना है। तो उसके लिए मैंने आज 5 मशीनें सेलेक्ट करी है जो कि मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। पहले नंबर पे आती है ये जो होती है हाफ राउंड मशीन। ये हाफ राउंड मशीन आती है, इसे हम डायरेक्ट पैडल से भी चला सकते हैं, इसमें एक हैंडल आता है इस प्रकार से, उससे भी चला सकते हैं। बट मेरे हिसाब से ये मशीन बिल्कुल मत लो, क्योंकि क्या होता है ये मशीन में बहुत प्रॉब्लम आती है और सिलाई भी अच्छी नहीं आती है। उससे अच्छा आप इस टाइप की अम्ब्रेला मशीन ले लो। मैं ये मशीन यूज़ कर चुका हूँ, मैं मशीन यूज़ करता हूँ, मतलब मेरे पास के जो कारीगर ये मशीन यूज़ करते हैं उनको अच्छी रहती है, सिलाई भी बहुत अच्छी आती है। तो आप इस प्रकार की मशीन लीजिए, इसमें मोटर लग जाती है। अगर आप हाफ राउंड में मोटर लगाते हो तो प्रॉब्लम आती है, सबसे बढ़िया मशीन ये आ जाती है। अब आप दूसरी बात ये जान लेते हैं कि आप लेना क्यों चाहते हो मशीन। जैसे आपको अगर नॉर्मल काम करना है तो आप इस टाइप की मशीन ले लो, जैसे कि फटे पुराने कपड़े जो होते हैं उन्हें ठीक करना, तो इस टाइप के ले लो। अगर आपको थोड़ा हैवी काम करना है, मतलब घर पे कुछ थोड़ा बहुत आप मतलब कपड़े वगैरह बनाते हो, तो उसके लिए भी ये काम में आ जाएगी। इसको ज़्यादा टाइम तक के अगर आप रख के रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हाफ़ राउंड को आप ज़्यादा समय तक के रख के रखते हो तो उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, चक्का जाम हो जाता है। इसको बराबर ऑयल कर देते रहो तो ये अच्छी चलेगी। अब मैं एक और बात बताता हूँ आपको, मशीन अगर जैसे प्रॉपरली काम चालू करना है टेलरिंग का, या फिर घर पे आप टेलरिंग का काम करते हो, ब्लाउज़ वगैरह बनाते हो, तो आप सबसे बढ़िया इस टाइप के रेन्यू मशीन ले लो। ये जो रेन्यू मशीन है ये भी बहुत अच्छी आती है। इसमें क्या होता है, 3 चीज़ें चल जाती है। आप एम्ब्रॉयडरी कर सकते हो पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे आप इस पे पिको कर सकते हो, साड़ी में पिको तो करना ज़रूरी रहता है तो आप इसमें पिको कर सकते हो। तीसरे नंबर पे आप इस पे सिलाई भी मार सकते हो, सिलाई मतलब जो अपन सिलाई करते हैं वो भी इससे कर सकते हो, तो एक मशीन 3 काम। तीसरे नंबर पे आती है इस टाइप की मशीन, ये जो देख रहे हैं आप जैक की मशीन, इस टाइप की आती है। अगर आप बुटीक प्रोफेशनल हो तो इस टाइप की मशीन लो, इस टाइप की मशीन और भी अच्छी हो जाती है, मतलब इसकी सिलाई तो फिर क्या बोलना, वाह वाह, कोई दिक्कत ही नहीं आती है। और अगर आप इससे बड़े वाले प्रोफेशनल हो, मतलब बुटीक चलाते हो, तो A2 लो, इसमें की मशीन आती है इस टाइप की A2, ये बहुत ही ज़्यादा हेवी मशीन हो जाती है। और आप इससे बड़े वाले हो, मतलब आपको फिनिशिंग ही चाहिए, ऐसी फिनिशिंग चाहिए कि बाप रे देखना ही नहीं, हर प्रकार के कपड़े चलाना है, तो आप फिर याली मशीन लो, ये 50-60 हज़ार की मशीन पड़ती है। और आप इससे भी बड़े हैं तो फिर आपको फिर उसमें वही चाहिए, मगर नॉर्मल काम के लिए यहाँ तक की मशीन ठीक है। मतलब आपका एक छोटा सा बिजनेस है, छोटा मीन्स मान लो 4-5 कारीगर वाला, तो ये मशीन यूज़ करो, बहुत अच्छी है ये चलेगी। और आप घरेलू महिला हो तो ये मशीन के बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर आपका 1 या 2 कपड़े बनाना है तो अम्ब्रेला देख लो, और अगर आपके 5 से 7 कपड़े बनाना है तो ये मशीन देख लो, मतलब 5 से 7 कपड़े आप डेली बनाते हो तो ये मशीन देख लो। जैक की मशीन है, अच्छी चलती है, बढ़िया चलती है। इसका आने वाले समय में मैं रिव्यू देने वाला हूँ कि 1 साल मशीन, मतलब 1 साल यूज़ करने के बाद मशीन में क्या प्रॉब्लम आती है, कैसी रहती है, तो इसका रिव्यू देने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखना आपने। और अभी मैं एक कोर्स चालू करने वाला हूँ जिसको ये जैक मशीन चलाते नहीं आती है। जैसे मुझे बहुत सारी ऐसे कमेंट्स आती है कि हमने मशीन तो ले लिए पर इसको चलाए कैसे, ऑपरेट कैसे करें, आप एक वीडियो बना दो। तो मैं 5 वीडियो का एक कोर्स बनाऊंगा जिसमें 2-2 दिन के आड़ में आपको एक एक वीडियो मिल जाएगा, तो उसमें आप प्रॉपर तरीके से जैक मशीन को यूज़ कैसे करना है, चलाना कैसे है, और पूरा A to Z मतलब उसकी हर चीज़ उसमें बता दूंगा, तो वो जल्दी आएगा तो आप देख लेना। तो चलिए अपन मशीन के बारे में बात करते हैं। तो ये जो 4-5 मशीनें मैंने आपको बताई है, आप इस टाइप की मशीन लो। हाफ राउंड के बारे में मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बिल्कुल मत सोचना, हाफ राउंड मशीन आपको बहुत दिक्कत देगी आगे चल के। वो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती है और खटखट 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 इतना दिमाग ख़राब करती है मशीन कि आप बोलोगे कि मैंने गलती कर दी लेके। तो आप हाफ राउंड की मशीन बिल्कुल मत लो। एक आती है, मतलब इस टाइप की भी एक मशीन आती है जिसे हम उषा करके कहते हैं, ये 12 से 15 हज़ार के बीच में आती है मशीन। बट ये मशीन आप लेके कहीं पे भी रख सकते हो, छोटी मशीन आती है। अगर आप कम काम करते हो, 2 या 3 ब्लाउज़ या फिर 2 या 3 कपड़े बनाते हो, तो उसके लिए ये मशीन ठीक है।
आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। नए वीडियो में फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए बाय बाय। घर में रहे और सुरक्षित रहे।